हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्त। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लाया। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं आज जानकारी दूंगा, शायद ही आपको किसी ने कभी दी होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि गांव वगैरह में रहते हैं और उनके आसपास में ना कोई डॉक्टर है ना कोई मेडिकल स्टोर है। बाई चांस रात में किसी भी तरह की इमरजेंसी पड़ जाए तो उनको उनके पास टैबलेट्स तो होती हैं, बट उनको जानकारी नहीं होती है कि कौन सी टैबलेट कब खानी चाहिए। तो बेसिकली जो अब मैं दोस्तों रेगुलर जो मेरी तीन से चार वीडियो आएंगी वो दोस्तों इसी के ऊपर होंगी। इसमें आपको सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जैसे कि पेन किलर्स की, एंटीबायोटिक्स की और जो अदर कुछ दवाइयाँ बची हैं उनकी। जितने भी अब ये वीडियो आएंगी इनको ज़रूर से देखना और अच्छे ध्यान से देखना है दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी और फिर शायद आपको किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में जितने भी दवाइयाँ हैं दोस्तों, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यही होती हैं एंटीबायोटिक, इसके अलावा दोस्तों अभी बहुत सारी हज़ारों तरह की और एंटीबायोटिक होती है, बट जो मेन जो चलती हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगा। इनके अलावा आपको बहुत ही रेयर कोई दिखने को मिलेगी जिसका यूज़ किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, बट जो दोस्तों 90% इन्हीं दवाइयों का यूज़ कराते हैं जो डॉक्टर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों मैं जैसे मैंने अभी बताया कि सारी सारी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, तो चलिए यहाँ से मैं आपको शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइप वो है एमोक्सिसिलिन, और इसमें इसकी बात करें यहाँ पे भी एमोक्सिसिलिन आप देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे बात करें एमोक्सिसिलिन, और इसमें देखें ये में इसमें भी एमोक्सिसिलिन, और दोस्तों इसमें देखें तो यहाँ पर भी एमोक्सिसिलिन है। तो दोस्तों ये एमोक्सिसिलिन है। अब आप सोच रहे होगे कि यार सारी एमोक्सिसिलिन है तो इस तरह से आप अलग अलग पत्ते में दिखा के हमको कंफ्यूज कर दोगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी जानकारी आज मैं दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें जो है एमोक्सिसिलिन वो है 250 mg, इसके नीचे भी आती है दोस्तों 125 mg, बट वो अभी मेरे पास में अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ 250 से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 250 mg टैबलेट है, उसके बाद में 250 mg कैप्सूल है, उसके बाद में 500 mg है, उसके बाद में इसमें होता है 500 mg इसमें होता है, उसके बाद में यहाँ 500 + 125 mg ये होती है, तो 625 mg की ये होती है। तो इस टैबलेट का यूज जो है वो दोस्तों बच्चों के लिए किया जाता है, जैसे कि 12 साल तक के 10 साल तक के बच्चे हैं या उससे नीचे हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। तो टैबलेट का ये फ़ायदा है कि आप यदि आपका बच्चा जो है 5 साल तक का है तो आप इसको तोड़ के भी दे सकते हो, और ये कैप्सूल है 250 mg का, इसको आप तोड़ोगे नहीं, तोड़ कैसे सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं वो इसका यूज़ करना है, 13 से और 20-22 साल तक के बच्चे हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में इसका यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी सी और हैवी में आ जाती है ये वाली एंटीबायोटिक। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको इस वाली एंटीबायोटिक से रिजल्ट नहीं मिल रहा है अच्छा, तो आप थोड़ी सी इसे और अच्छी ले सकते हो, क्योंकि इसमें आ जाता है थोड़ा लैक्टिस एसिड बेसिलस, जिसके कारण ये थोड़ा सा और अच्छा काम करती है और थोड़ी सी इसके कंपेयर से ये ज़्यादा थोड़ी सी हैवी होती है। उसके बाद में आ जाती है ये लास्ट एमोक्सिसिलिन जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे लास्ट में ये आती है 625 में, तो इससे ऊपर 625 में कोई नहीं होती है, तो ये होती है लास्ट। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है, जो ज़्यादा घाव या इन्फेक्शन हो जाता है जो कि जल्दी से नहीं सूख पा रहा है, या फिर आप कोई भी हल्के फुल्के एंटीबायोटिक टैबलेट ले रहे हो तो उससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये एंटीबायोटिक जो दवाई है इनका यूज़ जो है वो कब किया जाता है ये भी आप सोच रहे होगे। तो दोस्तों इनका जो यूज़ है वो इस तरह की समस्याओं में किया जाता है, जैसे कि यदि आपको कोई भी
इन्फेक्शन है या कोई भी बुखार वगैरह है जो कि आपको काफ़ी दिन से है और उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, तो इस तरह की अगर परेशानी है या जैसे कि मैंने बताया कोई भी इन्फेक्शन है, घाव है, आपको कहीं भी चोट लगी है, तो दोस्तों इसका यूज़ इस समस्या में किया जाता है। तो एमोक्सिसिलिन की जो थी ये मैंने आपको सारा बता दिया है और होपफुली आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होगे। और आप दोस्तों अगर नहीं समझे तो मेरे को कमेंट्स कर देना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, ये भी एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन, और ये भी सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि ये 250 mg है और ये 500 mg है, तो इसका यूज जो है वो 13-14 साल तक के बच्चे इजीली कर सकते हैं। और जैसे यदि आपका बच्चा जो है वो 5 साल का है तो 8 टैबलेट सुबह शाम इसका यूज़ कर सकते हैं, और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो फिर इसका यूज़ करें। यदि कोई भी जैसे दांतों में जख्म है, सूजन है, किसी भी तरह का दर्द है तो इन टैबलेट का यूज़ कर सकता है वो। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि आप जो है इन एंटीबायोटिक टैबलेटों को पहचानोगे कैसे। तो एंटीबायोटिक टैबलेटों को पहचाने का दोस्तों सिंपल सा एक लॉजिक होता है, यहाँ पे देखिए, ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं, बस ये 3 चीज़ें आपको रटनी है। तो यहाँ पे जिसमें भी यहाँ पे लास्ट में सिलीन आ जाए या जाइम आ जाए या सीन आ जाता है, ये देखो आप, इसमें सिलीन है, इसमें सीन है, इसमें भी सीन है, इसमें भी सीन है यहाँ पे, और इसमें भी सीन है। तो जहाँ पे भी आपको ये लास्ट में ये दिख जाए ना तो आप समझ सकते हो कि मोस्टली ये एंटीबायोटिक ही होती हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, ये भी एमोक्सिसिलिन, और फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, और एजिथ्रोमाइसिन, केनामाइसिन, इस तरह की दोस्तों आ जाती हैं सारी एंटीबायोटिक। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि एक एंटीबायोटिक है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करें इस वाले टैबलेट की जो कि ऑफ्लोक्सासिन है, तो ये भी एक एंटीबायोटिक है, सीन आप समझ गए होगे, यहाँ पे सीन लिखा हुआ है लास्ट में। तो ये 200 mg है, इसका यूज ये थोड़ी सी दोस्तों नॉर्मल एंटीबायोटिक ही होती है, जैसे जैसे बुखार है, कहीं भी जख्म है हल्का फुल्का, या फिर आपको सूजन है, तो उस समस्या में ज़्यादातर जो है इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में ही एक बार में हैवी दे दें। शुरू में हैवी एंटीबायोटिक देने का मतलब है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, घाव है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी घाव से, या आपको बुखार जो है वो उतर ही नहीं रहा है, और छोटी हल्की फुल्की दवाइयाँ जैसे कि ये 250 mg की, 500 mg की, ये सब काम नहीं कर रही हैं, उस कंडीशन में दोस्तों थोड़ी सी और हैवी एंटीबायोटिक चलाई जाती है। तो ये एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है ऑफ्लोक्सासिन। उसके बाद में बात करें यहाँ पे अजिथ्रोमाइसिन, तो अजिथ्रोमाइसिन ज़्यादातर खुजली वगैरह और घाव इस तरह की जो परेशानी होती है उसमें इसी टैबलेट का यूज़ किया जाता है, अजिथ्रोमाइसिन का। और यहाँ पे है सिफालेक्सिन, तो ये भी एक अच्छी एंटीबायोटिक है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होगे कि आप इतनी सारी एंटीबायोटिक दिखा दी तो हम तो इतना इसके बारे में याद नहीं रख पाएंगे, तो हमें कोई ऐसी एंटीबायोटिक बता दीजिए जो कि हम आराम से आंख बंद करके उसको खा सकें और आपको आराम मिल जाए। तो दोस्तों इन सबको साइड में रखते हैं, तो मोस्टली ये और ये, ठीक है, इन दो से दोस्तों आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको कोई बुखार उखार है तो आप उसके साथ में इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आप इसको ले रहे हो किसी बुखार के साथ में, बुखार के टैबलेट के साथ में, जैसे कि पैरासीटामोल के साथ में, तो यदि आपको बुखार उतर तो रहा है फिर से चढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको हटा लेना, उसकी जगह पे दोस्तों इस टैबलेट का, इस कैप्सूल का यूज़ करें, तो इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों टैबलेट, दो कैप्सूलों को ले सकते हो और इसको ले सकते हो, ये आप रख सकते हो, इनको छोड़ना ये अलग, अगर आपको याद रह जाए तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप इन दोनों को ले लेना, तो इन दोनों का भी आप यूज़ करोगे तब भी आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी।
तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और एंटीबायोटिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो एक एंटीबायोटिक्स मेरे पास में यहाँ है, इस पे भी आप देख सकते हो सीन लगा हुआ है लास्ट में, ये देखिए जी सीन लगा हुआ है। तो सीन का मतलब एंटीबायोटिक्स ही होती हैं ज़्यादातर। तो ये भी एक एराइथ्रोमाइसिन है, इसका जो साल्ट नेम है। ये भी 500 mg में टेबलेट होती है। तो ये और ये मोस्टली दोस्तों दोनों ही सेम कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन या घाव या खुजली, या फिर घाव हो जाता है इन्फेक्शन का, दाद वगैरह हो जाते हैं तो वो जो ठीक नहीं होते हैं, तो उन कंडीशन में दोस्तों इन टेबलेट्सों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यदि आपको खुजली से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, इन्फेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आप इन टेबलेट्सों का यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली आप जो है वो इन टेबलेट्सों का यूज़ कर सकते हैं। और जब इनसे भी आपको आराम ना मिले तो दोस्तों फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और बेटर एंटीबायोटिक है। इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है, एक नंबर इसका रिजल्ट होता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और रेट वगैरह की दोस्तों आपको चलो बता देता हूँ रेट्स। तो इसके जो रेट्स होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो 107 रुपये रेट्स है 10 टैबलेटों का, यहाँ पे इसका है 68 रुपये, जो कि आपको 3-4 रुपये में एक टैबलेट मिल जाती है मार्केट्स में इजीली। तो यहाँ पे इसका 72 रुपये रेट है 10 का, और यहाँ पे इसका है 24 रुपये रेट्स। और ये थोड़ी बच्चों के लिए होती है ये वाली एंटीबायोटिक। तो यदि आपका जो बच्चा है, जैसे कि मैंने बता दिया है, वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी, तो इसका जो MRP है वो है 86 रुपीज़। बाकी ये आपको मार्केट में वही 4-5 रुपये के आसपास में मिल जाती है। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको दांतों में कोई जख्म वख्म परेशानी है, या दांतों में दर्द है, सूजन है, घाव बना हुआ है, पस है, तो आप इस टेबलेटों का भी यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन। मैं भी दिखा चुका हूँ पहले भी, 250 mg, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो यदि आप 13 साल तक के हो। और यदि आपकी उम्र जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप इसका यूज़ करें 500 mg का, क्योंकि आपको तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों मुझे फिर से कमेंट कर देना, मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।